लेट्स टॉक अबाउट एंजाइम साइडकिक्स। साइडकिक क्या होता है? जैसे मुन्ना भाई का सर्किट, वैसे ही एंजाइम्स के पास भी एंजाइम एक मुन्ना भाई है और उनका एक सर्किट है जिसको हम को-फैक्टर्स कहते हैं। तो एक कंप्लीट एंजाइम को हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय अ प्रोटीन पार्ट एंड अ नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम, और जो उसके ऊपर लगा हुआ कौन सा पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, को-फैक्टर्स। जब एक एपो एंजाइम दैट इज प्रोटीन पार्ट के साथ एक को-फैक्टर लग जाता है तो वो एक होलो एंजाइम बन जाता है और उसकी एक्टिव साइट एक्टिवेट हो जाती है, जिसपे सबस्ट्रेट आराम से लग सकता है और एंजाइम अपना काम कर सकता है। दैट इज एंजाइम क्या करता है, कैटालिसिस। यस, वो एक रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। अब ये को-फैक्टर्स तीन तरह के होते हैं। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जो बिल्कुल टाइटली बॉन्डेड होगा एपो एंजाइम के पास, दूसरा कोएंजाइम जो लूजली बॉन्डेड होगा जैसे आपके विटामिन्स, एंड तीसरा मेटल आयंस, दे आर आल्सो टाइटली बॉन्डेड।